से चिड़ैया बाजे आत्महत्या कर लूंगी लेकिन नहीं जाऊंगी। भैया ने बुरो कियो ससुराल बुलाई लियो में लिख दिया श्याम अगर तुम नहीं आओगे तो यहां रुकमणी की लाश भी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। और वो खत जो है वो बूढ़े से ब्राह्मण को दिया कल ले जाओ। चले हैं बूढ़े से पंडित जी कुंदनपुर से और द्वारिका के लिए। और जब चले अब ज्यादा ना है तो चार कोस ही निकल पाए तो बुढ़ापे में पंडित जी से पैदल नहीं चला गया। पंडित जी मन में सोच रहे अभी तो कुछ भी नहीं चल पाए और बड़ो अभी तो द्वारिका बहुत दूर है। अब बड़ो कहां पैर काम ही नहीं कर रहे पैदल चल ही नहीं पा रहे। तो पंडित जी ने मन में सोचा ज्यादा ताकत भी मन देखा बुढ़ापा है तो मन में सोचा चलो ये बाग बड़ा सुंदर है इसी में थोड़ा विश्राम कर ले फिर आगे बढ़े। तो उस बगीचा को देखकर के पंडित जी मन में सोच रहे और बोले कि अब दुपारी बिलमाई ले बोले कि अब दुपारी बिलमाई ले चला गया आसन लगाया लेट गए। थोड़ी देर बाद पंडित जी जो थे वो सो गए पहुंच गई चिट्ठी। अब बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया और देखो बुढ़ापे में पैदल ही नहीं बल्कि बुढ़ापे में तो कुछ होता ही नहीं है। शरीर काम करना छोड़ देता है इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं और बुढ़ापे में सब नफरत भी करने लगते हैं। बुढ़ापे में बड़ा कष्ट मिलता है। एक कवि कहता है देख के जवानी को इतना इठलावे मती
देख की जवानी को इतनो इठलावे मती, क्योंकि आएगो बुढ़ापो तो कसाले पड़ जाएंगे, और लेटत पे खटिया की पार्टी पे रहेगो आ तो चलत में लठिया के लाले पड़ जाएंगे, वो दिन तेरी जिंदगी में आएंगे। बुढ़ापे में बड़ा कष्ट मिलता है। जो हमारे बड़े बूढ़े लोग यहां बैठे हैं, जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, अपनी जवानी बहुत याद आती होगी, क्योंकि जवानी के जमाने की बात अलग होती है। जवानी के जमाने की बात अलग होती है, उस समय चाहने वालों की चाहत ही कुछ अलग होती है। ये बुढ़ापा बड़ा प्रेम करता है हर आदमी से, लोग इससे ठुकराते ही कभी ना है, लेकिन आता है वो, आता है तो छोड़ के जाता नहीं है, अपने साथ ही ले जाता है, चलो काय को घेरा लगा है मेरा मतलब। और बुढ़ापे से बचने के लिए आदमी क्या नहीं करता, सब कुछ करता। देखा के थोड़े बाल सफेद भय भज गए, डाई कराया आए, हम काम बूढ़े हमें पैसे ही है, लेकिन पीछा नहीं छूटा मौत से, बुढ़ापे से। तीन पन जो हर आदमी के पीछे लगे हैं, बचपन, जवानी और वृद्धापन। ये बचपन तो निकल गया बिना मतलब ना समझी, और बुढ़ापा निकला मजबूरी में, मजबूरी जानते तो हैं लेकिन शरीर काम नहीं करता, इसलिए कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ देख सकते बस। और जो बीच वालापन होता है जिसे कहते जवानी, जवानी जब जवानी ने कब से कभी सुख से सोने ही नहीं दिया। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, बोले किन्ने गड़बड़ मचाई, बोले जवानी। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा वह खुशी मन मनाई, जो कच जीवन में करी कमाई वो सारा बाली बच्चन कई काम में आई। जवानी जाए में चली गई और जाकर छोड़ के गई, बात न कही क्यों ना गई, सोत में छोड़ गई, जई नहीं मालूम पड़ा कमाई कब ने करी गई। देखते ही देखते ललकपन, देखते ही देखते जवानी, देखते ही देखते बुढ़ापा, देखते ही देखते मौत, आए गए जन्म गए वही जगह, सब चले गए रह गए वो भी चले जाएंगे। यारे ना किसी को नहीं है, नंबरदार असरदार कदरदार हबलदार थानेदार सूबेदार पल्लेदार जिम्मीदार रिश्तेदार, मतलब जितने थे दार दार वो सब निकल गए।